नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। पंजाब में होने वाले चुनाव 2017 में अकाली दल पार्टी ने चाहे अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, लेकिन अकाली दल पार्टी के यूथ नेता और चेयरमैन पंजाब ट्यूबवेल कॉरपोरेशन रविकरण सिंह कहलो का कहना है कि उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने उन नेताओं को इशारा कर दिया है जिन्हें चुनावी मैदान में उतारना है, और वो सभी लोग अपने अपने इलाके में प्रचार कर रहे हैं। आइए सुनते हैं रविकरण सिंह कहलो, यूथ अकाली नेता को। फर्क पैण कोई गल नहीं, हर पार्टी ने आपको अपना उन्होंने सिस्टम है। श्रोमणी अकाली दल ने मेरे हिसाब ने एक फैसला किया ही होया वा, तो सानू सारू जे आगू साहबान ने उन्होंने पता वा कि हल्के चो इलैक्शन लड़नी है, तो सारे उस तरीके काम कर रहे हैं जिमें जिमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंसियां ने सारे उस तरीके ही। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल के माणयोग उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने सारे इशारे किए ही ने, इस करके कोई चिंता वाली गल नहीं। कैंडीडेट अनाउंस, मेरा ख्याल है कि कैंडीडेट अनाउंस नहीं ने साडे सारे, ये कोई दो राय नहीं गया। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल छेवीं बार मुख्यमंत्री बन गए। देखो तुसी आप सारे पंजाब दे देखते हैं रोज़ कि जिहड़ियां नवीं पार्टियां उठियां सी जिवें ही उठियां सी उस तरह ही तीला तीला हो जाणगियां। रोज़ एक दूजे ते कोई ना कोई इल्जाम, कोई पैसे ते कोई पैसे दा इल्जाम ला रहा, कोई किसी तरीके दा इल्जाम ला रहा वा, तो जिवें जितना एक उभार आउंदा वा जिवें एक बुलबुला आउंदा, तो बुलबुला तुहानूं पता कि बहुत छेती जिहड़ा वा उह सारा समाप्त हो जांदा। तो तुसी देखा जिहड़ी ये पार्टी आ, इहदा वी बड़ा एक उफान जिहा आया सी, तो मुड़ के हुण तुसी देखो तीला तीला हो चली आ। उहदे किन्ने आगू जिहड़े ने पार्टी छड्ड के चले गए, किन्ने इल्जाम लाए जा रहे ने, तो इल्जाम भी ऐसे ला रहे हैं, कोई पैसों का इल्जाम ला रहा, कोई पक्षपात का इल्जाम ला रहा। इस करके सरदार प्रकाश सिंह जी बादल तो सरदार सुखबीर सिंह जी बादल की रहनमई हेठ श्रोमणी अकाली दल एक मुठ आ, तो आने वाली सरकार सरदार प्रकाश सिंह जी बादल छेवीं बारी मुख्यमंत्री बन गए, तो तीजी बारी लगातार सरकार जी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की बनेगी। जिला गुरदासपुर के गाँव बिछवा में हुई मीटिंग में हिस्सा ले रहे अकाली दल नेता रविकरण सिंह कालो की मौजूदगी में गांव के 20 परिवार कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह अकाली दल पार्टी में शामिल हुए, और इन परिवारों को रविकरण सिंह कालो ने सम्मानित किया। आइए सुनते हैं सुलखन सिंह को। बेनती करता जी, आज सरदार रविकरण सिंह कालो जी साढ़े पिंड आए, और आप किसी ने बहुत घर जाके नहीं कहा, आप एक मैसेज दिता पिंड कि सरदार रविकरण सिंह कालो जी साढ़े पिंड आ रहे हैं। लोग बिना सद्यो अपने आप उनका काम वेख के आए आ, और उन्होंने दिलों प्यार करते हैं। साडे पिंड काफ़ी काम हो चुका जी, कोई सड़कां बन गई ने, कोई रहिंदियां ने, जे रह गई ने कालों साहब गल कह गया कि जे रह गई ने वी जल्द तैयार हो जाए। अकाली दल ने भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, चाहे उम्मीदवार के नाम अभी ऐलान नहीं हुए हैं। यह थी गुरदासपुर से गुरप्रीत सिंह की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।